नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। इसकी क्या बेसिक्स हैं, क्या क्या आपको तैयारियां करनी पड़ती हैं एंड्रॉयड में एप्लीकेशन बनाने के लिए, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन करते क्यों हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। देखेंगे हम कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड क्यों, एंड्रॉयड का एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं। बात करते हैं व्हाट इज़ एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक ओपन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है मोबाइल डेवलपमेंट के लिए। इसमें कंप्लीट ओएस, मिडिलवेयर और एप्लीकेशंस तीनों चीज़ें हैं, और यह ओपन हैंडसेट अलायंस प्रोजेक्ट है। ये पावर्ड है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से, यानी कि आप लिनक्स का काफ़ी फ्लेवर देखेंगे इसमें, और जावा में फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट है। और क्योंकि ओपन सोर्स है तो उसका लाइसेंस होगा, तो ये अपाची 2 ओपन सोर्स लाइसेंस पे है। और मैं बताना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट अ डिवाइस और अ प्रोडक्ट। एंड्रॉयड एक फ्रेमवर्क है जहाँ पर आप मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये ना तो डिवाइस है ना ये कोई प्रोडक्ट है। देखिए आप, ये जो है एंड्रॉयड डेवलपमेंट, इस पर पहले एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, लाइब्रेरीज, एंड्रॉयड रन टाइम, लिनक्स कर्नल, ये सारे के सारे मिला के आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनता है। जैसे मैंने बताया कि लिनक्स पे बेस है, तो ये देखिए सबसे बेस पे लिनक्स का कर्नल है जहाँ पर आपको सबके ड्राइवर मिलेंगे। कैमरा ड्राइवर है, यूज़र ड्राइवर है, उसके ऊपर लाइब्रेरीज हैं आपकी, फिर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। इन लाइब्रेरीज और इनको मिला के अगर आपको रन कराना है तो जैसे जावा में जावा वर्चुअल मशीन होती थी, यहाँ डेल्विक वर्चुअल मशीन है, कोर लाइब्रेरीज है, फिर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, और जैसे आप अपने मोबाइल पर देखते हैं होम, कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन, ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशंस यहाँ मिलेंगी। और एक्चुअली हम डेवलप तो यही करेंगे एप्लीकेशंस, लेकिन हमें इन सब का भी ज्ञान होना चाहिए। अब एंड्रॉयड क्यों? एंड्रॉयड इसीलिए कि अब फोन्स जो है वो स्मार्टफोन्स हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट एक्सेस है उसमें सबके पास, सोशल नेटवर्किंग बहुत बढ़ गई है। जैसे आप देखते हैं कि फेसबुक काफ़ी यूज़र्स हैं उसके ऑल ओवर वर्ल्ड, वो भी एक सोशल में आता है, ट्विटर है, बहुत सारे सोशल नेटवर्क हैं। और जो आप पहले लैपटॉप पे किया करते थे या डेस्कटॉप पे किया करते थे, अब वो मोबाइल पे कर रहे हैं लोग, मोबाइल यूज़र्स बहुत सारे बढ़ गए हैं। और अब क्या है कि लोगों के पास इतने ऑप्शंस हैं कि वो खरीदते नहीं हैं या ख़रीदना नहीं चाहते, या क्यों खरीदें जब बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हो, तो वो ओपन स्टैंडर्ड्स की बात हो जाती है यहाँ पे। ये ओपन स्टैंडर्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि एंड्रॉयड नया है, अगर दूसरे शब्द में कहा तो कूल है, गूगललेस है, उसमें गूगल की सारी चीज़ें जो भी आती है देखेंगे आप, उसमें कुछ स्पेशल फेवर कुछ अलग सा होता है। और जो यूज़र इंटरफेस है बहुत सिंपल है, जिन्होंने एंड्रॉयड वर्जन्स यूज़ किए होंगे उन्होंने देखा होगा कितना सिंपल है वर्क करना। और जावा स्किल जो है वो थोड़ी सी रिक्वायर्ड है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन फंक्शनैलिटी, ख़ासतौर पे XML का डिज़ाइन, क्योंकि अभी आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कि XML किस तरीके से इसमें हमारी यूज़ हो रही है। इवेंट एंड लिसनर, जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जब बैक जाएंगे तो क्या होगा, माउस है, हाउ, जब अपना हाथ का यूज़ करेंगे यानी कि जो फिंगर पॉइंट है जिसे टच कह रहे हैं उसका क्या होगा, थ्रेड्स एक के साथ एक से ज़्यादा आपके जब प्रोसेस चलेंगे, थ्रेड्स चलेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। तो एप्लीकेशन जो होता है, जो एक एंड्रॉयड का एप्लीकेशन होता है, वो चार बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसके। एक्टिविटी, क्या काम होने वाला है, इंटेंट रिसीवर, क्या जो सुनाई दे रहा है या जो जिसके लिए कोई एक्टिविटी तैयार है, सर्विस क्या प्रोवाइड करेगा ये एप्लीकेशन, और कंटेंट प्रोवाइडर, कंटेंट क्या होना चाहिए। ये चार चीज़ें हैं, इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे अभी, लेकिन ये चार चीज़ें आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसी को अगर हम एक्सप्लोर करें या फिर इनको ही
हम डिटेलिंग करें तो हमारा एक्चुअल एप्लीकेशन बनता है। अब एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन ये बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आईफोन ने ही ये सब चीज़ों की शुरुआत की थी, देवर द मार्केट लीडर्स। तो एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन की बात करेंगे, एंड्रॉयड जावा, आईफोन ऑब्जेक्टिव सी, एंड्रॉयड डायरेक्ट इंस्टॉल, आईफोन आपको ऐप स्टोर वगैरह से लेना पड़ेगा, और ओपन सोर्स है एंड्रॉयड। देखिए ये बहुत एक ज़रूरी बात है। देखिए अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें किसी एप्लीकेशन का जो आप एंड्रॉयड में डेवलप करेंगे, तो यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होती है, यहाँ एंड होती है, बीच में आपका क्रिएशन होगा, स्टार्ट होगी, रिज्यूम करेंगे आप, पॉज होगा, स्टॉप होगा, डिस्ट्रॉय होगा। ये एक जो किसी भी एक्टिविटी के स्टेट्स हो सकते हैं वो सारी इसमें यूज़ होगी, तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है। अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें एंड्रॉयड पढ़ना है तो हमें चाहिए क्या? जैसे मैंने अभी बताया कि जावा में आपको इनहेरिटेंस का आइडिया होना चाहिए, मेथड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग इंटरफेसेस और कास्टिंग एक्सेप्शंस, कोई एरर आएगी तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, डिबगिंग, एरर आएगी तो उसे दूर कैसे करेंगे, और API डॉक्यूमेंटेशन, जैसे जब जो इसका होगा आपके एंड्रॉयड का, उसको आप किस तरीके से रीड करेंगे, क्योंकि इसमें क्लासेस होती हैं और क्लास जो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्लास किस तरीके से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब इक्लिप्स ये एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है और इसी के थ्रू हम अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। क्या हमें फ़ोन्स की ज़रूरत है? मान लीजिए मुझे किसी एक स्पेसिफिक मोबाइल के लिए बनाना है, किसी सीरीज़ के लिए बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, वो मोबाइल लाना पड़ेगा? नहीं, उसकी ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि इम्यूलेटर है। इम्यूलेटर क्या होता है कि उसे वो मिमिक करता है, तो आपको ज़रूरत नहीं है, आपके पास इम्यूलेटर होंगे, आप इम्यूलेट कर लीजिए और वैसे के वैसा वो उस डिवाइस पे चलेगा। ऐप्स की बात कर रहा हूँ मैं। आप अगर चाहे इम्यूलेटर को, तो आप developer.android.com या यहाँ से आप ले सकते हैं, ये सब चारों साइट्स मैंने मेंशन की है। अब क्या करते हैं कि एंड्रॉयड का एक बेसिक प्रोग्राम को बनाते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है आपका, कि आपने क्लिप्स लिया। देखिए स्टेप वाइज जो एप्लीकेशन बेस्ड है वो अभी मैं इस के बाद बताऊंगा नेक्स्ट वाले इसमें, लेकिन ये क्योंकि प्रेजेंटेशन है, इसमें मैं आप स्टेप बाय स्टेप एक खाका तैयार करने की कोशिश करूँगा, जिससे जब आप उसको देखें तो आपको क्लियर हो कि ये हमने जो पढ़ा था वही हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, आप एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बनाएं एक्लिप्स में और फिर उसको चला दें इम्यूलेटर में। उसके लिए आपको सबसे पहले developer.android.com में जाके SDK डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद अच्छा ये SDK काफ़ी रिच है, इसमें सब आपको मिल जाएगा, फिर आप इक्लिप्स डाउनलोड करेंगे, फिर आप इंस्टॉल करेंगे इस एंड्रॉयड SDK को जो आपने यहाँ से ली है, फिर आप ADT प्लगइन लेंगे, ADT का मतलब होता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल्स, फिर AVD अभी जैसे मैंने आपको बताया एम्यूलेटर, तो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस भी आपको करना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ जो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखेंगे। तो सबसे पहले आप फाइल में जाके नया प्रोजेक्ट बनाइए, वो प्रोजेक्ट एंड्रॉयड प्रोजेक्ट होना चाहिए, और फिर प्रोजेक्ट के डिटेल्स भरिए जिस तरीके से यहाँ भरे गए हैं। जब ये क्लिप्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप यहाँ पर ये प्रोजेक्ट में नाम भरें और जो जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जावा का पैकेज क्या होगा, एंड्रॉयड वर्जन क्या होगा, क्लास जो ऑटोमेटिकली क्रिएट करना चाहते हैं, जावा जो जानते हैं उसमें सबको समझ रहे होंगे, फिर आप उसको रन कराइए और एंड्रॉयड एप्लीकेशन सेलेक्ट करिए और इम्यूलेटर पे ये प्रोग्राम रन होगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन वेट करिएगा और ये बिल्कुल इसी तरीके से रन होगा जैसे आपके मोबाइल डिवाइस पर रन होना चाहिए। देखिए ये एक इम्यूलेटर है और ये इम्यूलेट कर रहा है एक मोबाइल डिवाइस को, तो देखिए आपका ऐसा प्रोग्राम चलेगा। अगर आप एक्लिप्स में देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें लेफ्ट पेन पे दिखाई देगी, यहाँ पर आपकी जावा की फाइल है, ये आपके ऑटो जनरेटेड कोड है, यहाँ पर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स हैं, ये यूज़र इंटरफेस लेआउट है main.xml में, और ये कन्फिग्रेशन है जो आपका एप्लीकेशन है उसकी कन्फिग्रेशन। तो ये जो 5 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप एक चीज़ बनाएंगे, बाकी पांचों आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, इन सबको एक एक करके देखेंगे। तो जो आपका मेन फाइल होगी hello android.java, वो इस तरीके से होगी, ये एक्सटेंड एक्टिविटी, जब मैंने आपको बताया था एक्टिविटी
और जो चार बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बताए थे। तो देखिए सबसे पहले एक्टिविटी, और जब ये क्रिएट होगा तो यहाँ पर सिंपल आप एक छोटा सा ये है ऑन क्रिएट पे किस तरीके से आपका हेलो एंड्रॉयड प्रोग्राम बनेगा। फिर जो मेन एक्सएमएल मैंने आपको दिखाई थी उसमें क्या होगा कि आपका ये स्कीमास ये सारे ऑप्शंस जो है कि ये यूज़र इंटरफेस कैसे होगा इसका, देखिए यूज़र इंटरफेस ये टेक्स्ट एरिया क्या है, लीनियर लेआउट क्या है, वो सब ये बताएगा। फिर आपका स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल जो आप उसमें दिखाना चाहते हैं, जो आपको हेलो वर्ल्ड दिखा था वो स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल होगा। इसी तरीके से अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करिए, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पूरा वर्जन बताएगा, आपके आइकन जो दिखाई देंगे, आपका मेन क्या है, लॉन्चर क्या है, ये सारी चीज़ें जो एक कॉन्फ़िगरेशन जो बैकग्राउंड में उसको एप्लीकेशन को चलाने के लिए यूज़ होता है वो आपका एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में आपको दिखाई देगा। धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया।